तो गाइस फाइनली चौपाल पहुंच गए हैं, गुड हो गया जी। तो गाइस बड़ी मुश्किल से मलाई बोटी, चिकन बोटी और ये खाने वाले लिए। हमारी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या मेन्यू है उसका। घर के सामने मॉल था, वहाँ आए थे क्योंकि चौपाल से पता चला कि वो कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कैश लेना है, टाइम बहुत शॉर्ट है तो कैश में से निकालते हैं तो फिर चलते हैं। ओके गाइस, हम लोग निकल चुके थे बट ट्रैफिक चेक करें, आप रोड फुल है, रुकने का रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि रफ्तार बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रहेगा। तो गाइस फाइनली चौपाल पहुंच गए हैं, गुड हो गया जी। तो अभी अंकल के गाड़ी में पार्किंग, जो हमारे साथ अंकल थे हम उनको भी साथ बुफे करवा रहे हैं। कल का रोजा हमारा तो है नहीं, रोजा तो चलते हैं अंदर, उसको एंजॉय करते हैं, पहले करते हैं साथ बफे करते हैं डिनर। तो गाइस चलते हैं अंदर जाके फिर आपको ऑनर से भी देते हैं कैसा खाना यहाँ का। ओके तो भाई यहाँ तो पहुँच गया, तो गाइस यहाँ तो बहुत रश है, पहले लेते हैं रोटी छोटी, ये देखते हैं ये है डेजर्ट्स का। तो गाइस बड़ी मुश्किल से मलाई बोटी, चिकन बोटी और ये खाले वाले लिए, बाकी चीज़ें कुछ उन्होंने होल्ड पे कर दी हैं, कह रहे हैं कि वो इफ्तार के बाद देंगे चपली कबाब और ये। तो सैलड वैलड में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें थी, दही बड़े वगैरह भी हैं, कुछ ले ली हैं, बाकी अभी इफ्तार के बाद कुछ सिलसिला शुरू करते हैं। सही बात है। ये सारे डेजर्ट्स कॉर्नर है, तो वैसे सनी अभी लगा हुआ है कोशिश में कि कुछ और मिल जाए। सनी इफ्तार के बाद ले लेते हैं ना, कह रहे इफ्तार के बाद काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी। तो भाई यहाँ ये बाद में इफ्तार के बाद ले लेंगे, ठीक है। तो भाई ये हमारा टेबल है, बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिली है, यहाँ तो लड़ झगड़ के लोग ले रहे हैं। और सनी की प्लेट चेक करें आप, और ये अंकल है हमारे साथ, उन्होंने इफ्तार कर लिया, हमारा था रश बहुत है, ऐसे लग रहा है फ्री बांट रहे हैं। तो भाई मशरूम मछली भी मिल गया, पानी छानी भी है। भाई नाइस इन्वायरमेंट चेक करें आप, लेकिन यहाँ इफ्तार हो गई है फिर भी लोग ना थाए बीच रश खत्म हो रहे ना पाकिस्तान को, और ये चपली के बाद तो रिफिल कर ही नहीं रहे मगर क्यों। तो भाई सेकेंड राउंड जो हमारा लगा है वो है मटन बिरयानी, ग्रिल चिकन, फ्राइड राइस, कंग फू चिकन, बटेर फिश, मटन पुलाव और मगज। मज़ा आया, कुछ नहीं छोड़ना गाइस, अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो खाते हैं थोड़ी देर में। 15 मिनट्स लेटर गाइस फाइनली खाना खाना हो गया, अभी चल रहा है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत और कुछ खाएंगे, अंकल भी हमारे साथ बैठे हैं भी हैं, और चेक करें फ्रेश ख़त्म भी हो रहा है, बुकिंग लोग ले रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, भाई फाइनली अब जो राउंड है वो है चपली कबाब और सजी का, वाओ ये हमारे लगे हैं धड़ बनाने में। कॉर्नर हमारा रहता है वो हम करेंगे इसके बाद। ओके भाई ये जगह है जहाँ से बटेर और प्राउन मिल रहे हैं, यहाँ हो रहा है फ्राई, यहाँ रश तकरीबन जब से माया ख़त्म नहीं हो रही है भाई, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, साथ साथ इन्जॉय भी हो रहा है, साथ साथ रश भी इन्जॉय कर रहे हैं, अंकल भी साथ साथ खूब इन्जॉय कर रहे हैं, सही गया कुछ लेने के लिए। अब साथ एक बंद मिला इसके ब्रेड टाइप की चपली कबाब साथ सजी है, तो अभी हम करेंगे इसको एंजॉय, खाते हैं फिर कैसा है। तो गाइस चौपाल का मैं आपको व्यू, बारबेक्यू में था, इनके पास चंदन कबाब है, मलाई बोटी थी और
चिकन स्पाइसी बोटी, इस पर रश ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद था इनके पास चाइनीज़ में था स्पैगेटी और कैंटो चिकन, चिकन मशरूम था ना, फ्राइड राइस। ये बीफ बिरयानी थी जिसको हम मटन समझ रहे थे, और चिकन ग्रेवी, बीफ हलीम, चिकन वाइट कढ़ाई और मटन ब्रेन। मटन पाया, बीफ नहीं आ रही, मटन पुलाव ख़त्म हो गया, मटन कढ़ाई थी, दाल, दाल ऑफ द डे, चपली कबाब, और यहाँ था थाई सेक्शन में था पास्ता, मशरूम पास्ता था और ग्रिल चिकन भी, ये था गाइस थाई सेक्शन। तो ग्रिल चिकन भी थी, नान भी यहाँ मिल रहे थे, और यहाँ हो रहा था ग्रिल टिक्का रेडी। शॉर्ट मिल रहा था सबको। अगर ये था सैलड एरिया, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड, चना चाट, अचार, सॉसेस वगैरह। मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ गाइस, यहाँ मिल रहे हैं बटेर और प्राउन, जो कि बहुत लिमिटेड बना रहे हैं लोग। जो तकरीबन खाली होता है, जितने आते हैं वो लोग उठा के ले जाते हैं। यहाँ पहले वो था, इन्होंने इफ्तार के लिए सेटअप लगाया हुआ था। अभी देखते हैं कितनी देर लगती है जहाँ डीप फ्राई होगा। गाइस फाइनली ब्राउन भी ले ली है, हम मिले हैं तीन ब्राउन छोटे छोटे, अगर रश बहुत ज़्यादा थी। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। गाइस डेजर्ट्स में लाए हैं पाइनएप्पल कस्टर्ड, लबे शरी, खीर, ओरियो चीज़ केक, पुडिंग और जेली। सारा मीठा थोड़ा थोड़ा लाया और खाएंगे मिलजुल के हम लोग, ठीक है। सेवन अप मंगवा लिए क्योंकि खाना ज़्यादा हो गया था, सेवन अप बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये है चौपाल का ओवरव्यू ऊपर से, हवा में अभी भी धड़धड़ लगी हुई है। अब चलते हैं नीचे, थोड़ा सा होटल सेशन हो गया, साथ है रिसोर्टी होटल और रेस्टोरेंट, चलते हैं नीचे। तो गाइस फाइनली सब हो गया, बंद होना शुरू हो गया, पैकिंग होना शुरू हो गई है, तो अभी हम भी रुकस्की डालेंगे। ओके गाइस फाइनली अब निकल गए हैं घर की तरफ, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं घर पर। बहुत मज़ा आया, उससे अच्छा था, लेकिन एक मसला था, पैसे दे के भी खाना टाइम देख के खा लो, वेट करो, उससे इतना ख़तरनाक होता है। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन कार के वजह से एकदम रश पड़ा। चलते हैं करते हैं, फिर घर पर जाके ब्लॉग करना कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. तो गाइस फाइनली आ गए थे घर पे, तो गाइस बुफिश पे मज़ा आ गया, ठीक ठाक सही खाना खाया। तो गाइस थोड़ी थकावट भी हो गई, थोड़ा हिम्मत करके थोड़ा भाग दौड़ के खाना मिला क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, साथ इफ्तार भी थी और डिनर भी। तो गाइस मैं ब्लॉग एंड करने लगा हूँ इसी में से, कि ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।